आइए दोस्तों, आज मैं शशिकांत उपाध्याय आपके सामने एक प्यारी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है ब्लेम गेम। अक्सर आपने देखा होगा कि हम ब्लेम करते रहते हैं। आखिर इस ब्लेम गेम का क्या अर्थ है, क्या आशय है, इसको समझने के लिए आइए मैं आपको समझाता हूं इस कहानी के माध्यम से। के रास्ते गुजर रहा था और गुजरते वक्त वो मन ही मन कुछ कह रहा था। बड़ा दुखी था, बड़ा गुस्से से तमतमाया हुआ उसका चेहरा था। और ऐसे में वो बोले जा रहा था कि कितनी बेकार ये जगह है, यहां बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है, यहां तो पानी का नामो निशान भी नहीं। तपती रेत में वो जैसे जैसे ऊपर से धूप लग रही थी और नीचे से रेत जल रही थी, उसके पैरों में गर्म हो रहा था उसका पैर, वैसे वैसे उसका क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। और गुस्से में वो आसमान की तरफ रुक करके झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहां पानी क्यों नहीं देते? अगर आप यहां पानी होता तो कोई भी यहां पेड़ पौधे लगा सकता और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ एक तक देख रहा था, जैसे मानो कि वो भगवान से उत्तर मांग रहा है, जवाब मांग रहा है और जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। तभी एक चमत्कार होता है और नजर झुकाते ही उसके सामने कुआं नजर आता। वो उस इलाके में बरसों से आ रहा था, जा रहा था उस रास्ते से, लेकिन उसको कहीं भी कुआं नजर नहीं आया था आज तक। और अचानक उसको कुआं दिखा तो वो कुएं के पास गया आश्चर्य से, और जाकर उसने देखा तो कुएं में पानी लबालब भरा हुआ। ऐसे में उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, पानी के लिए तो ठीक है पानी, लेकिन अब इस पानी को निकालने का कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा ही कहना था कि अभी वो कहीं उसने देखा कि एक चमत्कार और हुआ। उसके बगल में बाल्टी और एक रस्सी भी रखी हुई उसे नजर आई। अब उसको देखने के बाद उसकी नजरों पर उसको खुद स्वयं विश्वास नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये पॉसिबल कैसे हुआ। वो घबराहट के मारे आसमान की तरफ देखा और फिर बोल बैठा कि अरे भाई, कुआं भी मिल गया, पानी भी मिल गई, बाल्टी भी मिल गई और रस्सी भी मिल गई, लेकिन मैं इस पानी को ढोऊंगा कैसे इस रेत में। ऐसे में उसने धक्का दे रहा है या उसको आहट हुआ कि पीछे कुछ है। ऐसे में उसे ऊंट नजर आया और ऊंट को देखने के बाद उसने देखा कि अब तो सारे साधन हो गए, जितनी भी चीजें हमें चाहिए थी वो सारी चीजें मिल गई। अचानक कुछ देर वो ठहरता है और इसके बाद उसके दिमाग में एक बात आई कि अब तो मैं फंस जाऊंगा और अब तो रेगिस्तान के हरियाली लाने के काम में सारे साधन मुझे मिल गए हैं, लेकिन अगर मैं यहां रुका तो मुझे हरियाली लाने के लिए यहां फंसना पड़ेगा, मैं फंस जाऊंगा। ऐसे में वह वहां से तुरंत भाग निकलता है। जैसे ही भागता है उसके पीछे एक पेपर कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ चिपक जाता है उससे। वह देखता है उस कागज की तरफ, उस कागज पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, तुमने पानी मांगा, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी भी दिया, पानी ढोने का साधन भी दिया, अब तुम्हारे पास हर एक चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए था। अब उस इंसान के लिए ऑप्शन ये बचता है कि वो वहां रुके और इन संसाधनों का इस्तेमाल करके उस हरियाली जिसकी कल्पना वो कर रहा था वो रेगिस्तान में लाए। लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि मैं तो यहाँ फंस जाऊंगा इस काम में, इसलिए वो वहीं उस कागज को छोड़कर
चंपत हो जाता है, भाग जाता है। भागने के बाद आज तक वो रेगिस्तान वैसा का वैसा ही पड़ा रहा, वहां हरियाली नहीं आई। कहने का आशय यह है कि आदमी दोस्तों, कई बार हम चीजों के अपने मन मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोष देते हैं, कभी अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं, कभी अपने भगवान को भी दोष देते हैं, और साथ ही साथ हम कंपनियों को भी दोष देते हैं, क्योंकि हमारे मन मुताबिक वो चीजें नहीं है। और इसी ब्लेम गेम के चक्कर में ब्लेम करते 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 हम महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। एक इंसान होने के लिए ये जरूरी है कि इंसान को इन सारी चीजों के मिलने के बाद हरियाली ला देनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये हम भूल जाते हैं कि हम एक इंसान हैं। इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। शुरुआत में लगता ऐसा है कि ऐसा कैसे संभव होगा, पर जैसे आपने इस कहानी में देखा, उस इंसान को रेगिस्तान हरा भरा बनाने के सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह हमें भी अगर हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट अचीव करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए जरूरी सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं। पर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग इन रिसोर्सेज के होने के बाद भी उस आदमी की तरह सिर्फ कंप्लेन करना जानते हैं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेते हुए हम शिकायत करना छोड़ें और जिम्मेदारी लेकर अपनी दुनिया बदलना शुरू करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो बेहतर लगी, या इस वीडियो में कुछ कमियां नजर आई, या ये बेहतर से भी बेहतर लगी, तो कमेंट करना ना भूलें। प्लीज आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने के बाद हमें ये महसूस होगा कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और इस हमारा साथ दिया। और भी बेहतर कहानियां लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।